वेलकम टू माय चैनल पक्षी राजन बीवर्स। देखिए हमने जाल खड़ा कर दिया है नया, सिर्फ छतरी नई है और बस पुराने वाले, और मैंने खड़ा कर दिया। अभी इसमें एक बास और लगाऊंगा मैं। बीवर्स में गया था छतरी वाले के पास, उससे मैंने कहा था कि भाई हमें जाल की वीडियो बनानी है, तो उन्होंने बोला भाई सीक्रेट होता है, चीज दिखाई नहीं आती। बहुत रिक्वेस्ट की उसने, मगर उसने मना कर दिया। तो यार भाई मैं भी मजबूर था, मैंने क्या करा, फिर यही छतरी ले आया। और भाई आपको पूरी छतरी करीब से दिखाऊंगा, अभी मैंने खड़ी करके दिखाई है आपको। पुरानी वाली छतरी मैं दिखाऊंगा, वो नीचे पड़ी है, वो खराब हो चुकी है बिल्कुल। अब नई छतरी लाया हूँ मैं इस साल में सीजन में। अगले महीने से सीजन स्टार्ट हो रहा है भाई, अगले महीने से सीजन स्टार्ट हो रहा है और कबूतर पकड़ना स्टार्ट हो आ जाएंगे कबूतर। कल अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे कबूतर आना जाल पे, और मैं आपको कबूतर, जो भी कबूतर आएगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और मैं आपको जाल उतार के दिखाता हूँ, ये अपने कबूतर हैं प्यारे से, इनके भी पर आ रहे हैं अभी थोड़े थोड़े, पूरे पर नहीं आए हैं अभी, इनके पर खिंचे थे तो अभी पर नहीं आए कबूतरों के। और आप देख सकते हैं इस सीजन में मेरे पास ये कबूतर है। मैं बाजी नहीं उड़ाता, पर अनीस भाई उड़ाते हैं हमारे बराबर में, वो उड़ाते हैं मगर मैं नहीं उड़ाता। आपको जाल दिखाता हूँ अपना पुराना वाला, ये खराब हो चुका है बिल्कुल, ये देखिए ये पूरा जाल खराब हो चुका है। मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, उसको पूरा खराब हो चुका है, इसकी डंडियाँ टूट गई हैं कुछ, देखिए ये डंडी टूट गई है और पूरा खराब हो चुका है। इसलिए मैं नया जाल बनाया ला के, इसमें जाल में कुछ है नहीं यार, बस यूं बन जाता है यार, बस ये इसकी बुनाई बहुत डिफिकल्ट है, बस ये बुनाई जो होती है जाल की, बस बाकी तो सब कुछ यूं बन जाएगा। मैं उसको जाल को आपको उतार के दिखाऊंगा, आपको खुद नजर आ जाएगा। बस जाल वाले से यही रिक्वेस्ट कर दी थी मैंने, बहुत कोशिश करी थी मगर उसने मना कर दिया। भाई कोई नहीं भाई, अगर आपको जाल चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बोलें, ठीक है, जाल वाले से जैसा भी है, अगर आपको जाल चाहिए तो। मैं उससे बोला था तो मैं आपको जाल उतार के दिखाता हूँ। अनीस भाई मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अनीस भाई हमारे, ये शर्ट उड़ाते हैं, ये अनीस भाई ये उड़ाते हैं शर्ट। आ इस साल इनकी वो शानू से उड़ेगी, वो वाले से, उससे वो दिखाई दे रही होगी आपको, ये भाई मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, शायद दिख जाए, देखिए आपको सामने दिखाई दे रही हो, धाबली ऊंची सी बनी हुई है वाली, यही है, तो इनसे शर्त उड़ेगी, देखते हैं भाई। मैं आपको जाल उतार के दिखाता हूँ, फिलहाल तो जाल मेरा देखो कितना ऊंचा है। भाई मैं जाल के टिप्स बताता हूँ आपको, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो पूरी बना के दिखाऊंगा, आपको उसके ऊपर पूरी वीडियो, मुझे भी अच्छा लगेगा आपको पूरी वीडियो बनाऊंगा किस तरह से खड़ा करते हैं। जो आप नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इसी के ऊपर बनाऊंगा कि पूरा जाल किस तरह से बनता है, किस तरह से खड़ा होता है ये पूरा बास, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत फ़ायदेमंद देगी जाल खड़ा करने में, ठीक है ब्रो। तो मैं आपको जाल उतार के दिखाता हूँ, देखिए व्यूअर्स मैं जाल उतार दिया है। इसकी बरामद मैं आपको बताता हूँ कि करते क्या है इसमें जाल में। ये सबसे पहले चार फंटियाँ लेते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, और तीन फंटी लेते हैं नीचे के लिए। ये चार फंटी आती हैं वो यूँ करके आती हैं सीधी, सब यूँ, ठीक है ना, वो बाल इससे बांधने के लिए होती हैं, वो बांस में बांध दो। अब मैं इसमें बांध रखा है टेप लगा के, ठीक है, और इसमें दो रस्सी देते हैं, ये है ना, ये रस्सी होती है बंद करने की, ठीक है ना, अंदर वाली, और ये रस्सी जो होती है बाहर की ये खुलने वाली होती है, दोनों वाली मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों वाली,
जिसपे जो डंडियों पर बन रही है, ठीक है ना। ये रस्सी जो डंडियों पर बन रही है ये होती है खुलने वाली। और आपको दिखाता हूँ जो अंदर की डंडियाँ हैं, ये देखिए, ये खाली इन्होंने डोर से बांध रखी है, खाली डोर है, खाली डोर से ऊपर से जाल के उस पर बांध रखी है। एक ये अंदर की लेते हैं, ठीक है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ सही से। वो एक भाई ने वीडियो में और कमेंट में कहा था कि एक अच्छे से आप वीडियो बना के दिखा दें मुझे किस तरह से बनती है छतरी, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये थोड़ा देखिए, यहाँ से ये चीज लगाते हैं, आप देखिए यहाँ से रपटती है ना, रपटती बंद हो जाती है, रस्सी खींचती है इस तरह से, ये बंद हो जाती है। ये चीज़ लगाते हैं ये बीच में थोड़ा सुराख करके, ये लगा देते हैं जिससे ये लग हुआ, ये ठीक है ना। और एक तार पीछे बांध देते हैं, ये हो गया अंदर की तीनों हो गई फंटियाँ, ये किस तरह से बनती है। और दो फंटियाँ ये होती हैं डंडियाँ, ये जो बंद करना और खोलने के काम आती हैं, जो वाली दोनों जो लगी रहती हैं। बीच में होती है चौकी, चौकी पे कबूतर आके बैठता है, कबूतर बंद हो जाता है, ये चौकी होती है बीच में ही रहती है चौकी पे। ये ना ये चार डंडियाँ बंधी होती हैं, एक दो तीन चार, और चारों डंडियाँ यहाँ तक होती हैं। तो भाई ये थी अब पूरी जाल की, बाकी भाई मेन चीज़ है ना इसकी जाल की, वो चीज़ ये है रेशम, ये बांधते हैं इसमें, मेन चीज़ ये है। ये जाल बड़ा खूबसूरत जाल है, देखते हैं यार सीजन हम कितने कबूतर पकड़ते हैं जाल पे, वो आपको दिखाएंगे हम किस तरह से पकड़ते हैं, वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको बताऊंगा अगली, ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं भाई बस इतना ही बना रहा हूँ। और भाई वीडियो को कमेंट्स लाइक सब्सक्राइब जरूर।